भाई आ रहा हूँ, नीचे ही आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जा, वेट कर रहा हूँ। हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। देखिए, सुबह के 7 बज रहे हैं, नहीं सॉरी 7:30 हो रहे हैं, और मौसम बहुत खुला हुआ है, सभी तरफ से पंछियों की आवाज़ आ रही है। मैं और अमित जिम जाने के लिए तैयार हैं। अभी मैं अमित के घर के बाहर हूँ, हम लोग उसके बाद जिम हिट करेंगे। हर किसी का प्लान होता है कि मंडे से वो जिम शुरू करेगा और कल से शराब पीना बंद कर देगा। हमारा ये मंडे से जिम शुरू करने वाला जो सीन है वो देखिए, अभी आप लोगों से बात करते करते ये दोनों कुत्ते आ गए हमारे पास। ये है रॉकी। क्या रॉकी, इसको सबसे ज़्यादा प्यार चाहिए होता है। कुकी, देखिए कुकी को कर रहा था प्यार तो रॉकी आ गया। और ये ब्राउनी आ रहा है दौड़ के, लेकिन ये इसको आने नहीं देगा। देखिए रास्ता बदल दिया, आजा आजा। देखिए देख देखें, ये ब्राउनी से इसकी इतनी जलती है कि क्या बताऊं। बट ठीक है, ये लोग भी एक फैमिली है। ये तीनों के अलावा वो उधर कोने में खड़ी है काली सी, इन सब की माँ है वो। इन सब के अलावा एक और कुत्ता था, लेकिन वो क्रिसमस में मिस हो गया, उधर से पता नहीं कहाँ चला गया। वो क्रैकर्स वगैरह जो लोग खोते हैं ना, उसकी वजह से उसको थोड़ा इरिटेशन होने लगा था, वो दूर चला गया। उसके बाद वो कभी आया ही नहीं। कितने महीने बाद जा रहे हैं जिम विक्की? पूरे 5 महीने बाद। 5 महीने बाद 7 में जिम जा रहे हैं विक्की, तो 5 महीने बाद पहली बार जिम जा रहा है। इस हफ्ते हम लोग अपनी बॉडी को तोड़ने के लिए तैयार है। आज हम लोग मैक्सिमम मिक्स मारेंगे, राइट? राइट, लाइट वेट से शुरू करेंगे। लाइट वेट, हाँ। 2 hours later. विक्की, तेरे को कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत सही फीलिंग आ रही है यार। ये बात सही है एक्चुअली, वर्कआउट करने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आपके बॉडी में डेवलप होता है। एक मजे की चीज आज हम लोगों के साथ ये हुआ कि कल रात में मैंने बताया नहीं था आपको, अशोक का भी प्लान था जिम में आने का, तो अभी मैं आपको एक्सपीरियंस बतवाता हूँ अशोक का। अशोक पहली बार लाइफ में इसने जिम ज्वाइन किया है और पहली बार इसने डंबल को हाथ लगाया है। पहली बार डंबल को हाथ लगा के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार जिम देखा, पहली बार मटेरियल्स देखे क्या क्या होता है। ये बंदा भी आज से हम लोगों के साथ वर्कआउट करेगा। मैं और विक्की मिल करके इस बेचारे को भी फिट इंडिया मूवमेंट में शामिल कर लिए। चलो आज के बाद हम तीनों साथ में ग्रो करेंगे, बॉडी हम तीनों की बनेगी। उम्मीद करते हैं कि अशोक का अभी जो ये तंबू जैसा पेट आगे निकला हुआ है ना, ये जल्दी अंदर हो जाए। जय हो भारत माता की जय, भारत माता की जय। यस, चलो एक बाइक पे 3 लोग। टोटल वेट कितना है सबसे? हम दोनों का मिला के अशोक का अकेले, अशोक का अकेले, अशोक का लोअर वेट, हम लोग का पूरा बॉडी वेट सेम है। 240 किलो लेके चल रहे हैं, जिसमें 200 किलो तेरा अकेले का है और 125 सीसी पल्सर बाइक। हाँ बाइक देखिए, पवन कैसा लग रहा है बाइक चला के? दोनों को बिठा के बहुत अच्छा, ये तो हम लोग स्कूल में करते थे यार। अशोक के लिए क्या प्लान किया? अशोक के लिए तो नहीं, लेकिन अभी मेरी बाइक ऊपर चढ़ नहीं पा रही। क्या है, स्कूल के टाइम पे हम सब कम वेट वाले थे, अभी वजन बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन ये है भाई, सुबह सुबह वर्कआउट करने के बाद पूरा दिन अच्छा जाता है, इसलिए अब से सुबह ही जाएंगे। हाँ। चाहे जो हो जाए, जो हो जाए, चाहे आसमान फट जाए चाहे धरती फट जाए। अबे ललकार मत, जाना है ललकार मत, सॉरी भगवान, फट जाएगी तो फिर जाएंगे कैसे? ये विक्की थोड़ा सा इमोशन में आ गया था, वहां दिल पे मत लीजिएगा। अभी 11:30 हो रहा है, हम लोग निकल रहे हैं अपने बाइक की सर्विसिंग के लिए, और अशोक के कुछ शॉपिंग करे थे इसने पहले, उसको चेंज करने के लिए। मैंने अभी लिफ्ट से उतरते वक्त मैंने अपने आप को देखा, तब मैंने रियलाइज किया कि यार मैं इतना भी ज्यादा मोटा नहीं हुआ हूँ जितना लोग समझ रहे हैं या मैं खुद समझ रहा हूँ अपने आप को। क्या है ना, बाल चले गए हैं इसलिए मेरा मुंह जो है गोल लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं खुद मोटा भी हो गया हूँ। थोड़ा वेट पुट ऑन किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बट फिर भी इतना भी ज्यादा मोटा नहीं हुआ हूँ। बाइक सर्विस करने के लिए दे दिया है, कल पिकअप करना है, इसलिए अब अभी जितना टाइम हमारे पास बचा है उसमें अशोक का काम कर लेते हैं। बाइक नई ली थी, फर्स्ट सर्विसिंग कराया था, उसके बाद सेकंड और थर्ड दोनों लैप्स कर गया, अभी पेड सर्विसिंग आज इस बार किया है हम लोगों ने। शहर बसाने के लिए लोग सारे जंगल काट रहे हैं, सारे परिंदे मेट्रो के लाइन पे बैठे हुए हैं। कभी आप शहर में बाहर निकलिए ऐसे चारों तरफ देखते हुए, एक से एक नमूने देखने को मिलेंगे आपको। अशोक बाबू हो गया काम आपका? आ गया। हाँ चलिए, फाइनली अशोक का काम भी हो गया पीटर इंग्लैंड में। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रेजी क्रेजी ऑफर लगे हुए हैं, 5 4 get 6, 5 3 get 4, 3 कपड़े खरीदो और 6 कपड़े हो जाएंगे। आज मुंबई का मौसम बहुत अच्छा है, ना धूप है ना बारिश हो रही है, घूमने में भी मजा आया। सोचिए मैं फुल शर्ट पहन के आया हूँ, फिर भी आज पसीने नहीं हुए इतने ज्यादा। ऐसा मौसम अगर रहे ना मुंबई के अंदर में, मुंबई से अच्छा कोई जगह नहीं है।
किसी भी जगह पे अगर ऐसा मौसम रहा तो वो जगह अच्छा रहता है। देखो पूरा मेट्रो का काम चल रहा है भाई दबा के, 5-6 साल हो गए इसको वर्क करते करते मेट्रो का, अभी भी सब ऐसे ही है। मुझे लगता है आने वाले 5-6 साल तक भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा, काम होता रहेगा। लेकिन हाँ ये है ना कि जब मेट्रो एक बार बन जाएगा उसके बाद काफी बढ़िया हो जाएगा दिल्ली जैसा, जैसे दिल्ली में आज हर कोने कोने में मेट्रो है ना, मुंबई में भी कोने कोने में मेट्रो हो जाएगा ना तो अच्छा होगा। खुल जाते दोनों एक टाइम पे एक ही बात बोले नहीं भाई, बड़ी तेज भूख लगी है बहुत तगड़ी वाली, और आदत जो बाहर खाने का हो गया है ना, सच बता रहा हूँ मैं आज अपने आप को इतना ज्यादा कंट्रोल किया हूँ आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। जब भी साइड से समोसे पकौड़े और बर्गर ये सब वाले दुकान जा रहे थे ना, मन हो रहा था, टेम्पटेड हो रहा था कि खा लूं, मगर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। जैसा डाइट करेंगे बॉडी वैसी ही बनेगी, इसीलिए खोलिए अभी खोलिए जल्दी खोलिए। भगवान अच्छा मिस्टर भगवान सर ने, अरे लास्ट नेम तो होगा ना भगवान का, शर्मा वर्मा कपूर खन्ना बच्चन कुछ भी नहीं पता नहीं क्योंकि हम लोग मिले नहीं है ना। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। रेसिडेंट नोटिस किसे भेजूं, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहता है। अच्छा क्या भगवान की बात कर रहे हो भाई, बहुत नाम है कृष्णा राम ब्रह्मा विष्णु महेश साईं बाबा। शाम के 6:30 हो रहे हैं, दोबारा अपनी खिड़की पे बैठ के नजारा ले रहा हूँ सामने का, लेकिन मन में एक सवाल चल रहा है कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप कपड़े पहनने के लिए वार्डरोब ओपन करते हैं और उसके बाद बार बार एक ही टी शर्ट निकाल के आप पहन लेते हैं, चाहे आपके पास बहुत सारे टी शर्ट हो, आप चाहते हैं कि उसको आप पहने, किसी दूसरे टी शर्ट को पहनने के लिए आप सोचते हैं, मगर फिर भी आपका एक फेवरेट टी शर्ट ऐसा होता है जो ऐसे आपको पीछे से ऐसे नजर देख रहा होता है, थोड़ा सा उसका दिख रहा होगा एकदम जरा सा पार्ट, और आप उसी को खींच करके दोबारा से पहन लेंगे। ये टी शर्ट बहुत दिनों से मैंने रखा हुआ है और ऐसा हो रहा है मतलब थोड़ा सा भी मेरे को दिख जाता है। एक तो सबसे पहला रीजन है कि ये ब्लैक है एंड आई लव ब्लैक कलर, तो इसलिए भी एक रीजन है कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ। और ये देखिए अशोक मेरे और अपने लिए मस्त वाला बना के लाया है ब्रेड ऑमलेट। जितना अच्छा वर्कआउट आप करोगे ना उतना ज्यादा भूख आपको लगेगा। दोपहर में बेचारा ये सोया हुआ था, मैं काम कर रहा था, तब बोलता है मुझे भी भूख लग रही है, फिर हम दोनों ने ये बनाया है ब्रेड ऑमलेट, खाते हैं अभी मस्त एंजॉय करेंगे ब्रेड ऑमलेट शाम। कॉफी पी लिया हूं इसलिए दोबारा कॉफी पीऊंगा नहीं, अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर लिया हूं, थोड़ी देर में वीडियो अपलोड करूंगा ताकि 7 बजे आप लोगों को वीडियो देखने को मिले। Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be. Light jalao. टीवी बंद करते हैं अशोक, ये ऐसा है जिसको हम लोग टीवी देखते रहेंगे, अब बंद करता हूँ। एक ऐसा वेब सीरीज निकाल दिया जिसको देखने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया कि बस इसी को देख रहे हैं इस समय, 1:45 हो गया भाई साहब, सुबह 7 बजे उठना भी है जिम जाने के लिए। कैसा लगा वेब सीरीज? बढ़िया धासु। अरे बहुत एडिक्टिंग है, नाम बताऊं? नाम उसका याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है, तो ऐसा शफल करते करते मैंने देख लिया था। आज अमेजोन से एक ऑर्डर आया है, ये मैं दिखाऊंगा आपको 2-3 दिन के बाद, अभी मैंने रख दिया है चेक वेक करके, उसको एक साथ दिखाऊंगा क्योंकि मैंने 2 ऑर्डर मंगवाए थे, दूसरा जब आएगा तभी दोनों साथ में दिखाऊंगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहां तक देखा है तो लाइक जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। भारत माता की जय। टाटा बाय बाय लव लव।